एक वर्ष पूर्व कटिहार जिला के बरारी प्रखंड के शंकर बांध पर गंगा नदी के जल कटाव के कारण पूरे कांत नगर दियरा गंगा नदी में फंस गए। किसी तरह जान बचाकर 50 परिवार पिछले एक वर्ष से शंकर बांध के किनारे रह रहे हैं, बाकी इधर उधर बिखर गए। रह रहे समुदाय बहुत ही कष्ट एवं दुख भरी जीवन जी रहे हैं। सरकार के द्वारा भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान है, पर इस योजना से अभी तक इन समुदायों को लाभ नहीं मिल पाया है। ये कहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम लोग बांध पर रह रहे हैं, बांध से भगाया, बांध के नीचा फिर घर बनाए, फिर यहाँ से भी भगा रहा है, यहाँ से हम लोग तकलीफ काट रहे हैं। पहले कहाँ थे आप? पहले हम लोग थे कांत नगर दीरा। तो वहाँ से क्यों यहाँ आए? वहाँ से आए, वहाँ हम लोग का जो गंगा जी का कटाव लगा था, हम लोग का घर द्वार पहले खेती उती जो था, मकई गेहूँ मरचा बुनल सब कट गया। उसका बाद घर कटने लगा तो थाना खबर किए, थाना प्रभारी बड़ा बाबू कहाँ कहाँ DSP लंग SP लंग फोन किए, आधा सीधा घर कटिए गया, सबके फंस गया, छितिर बितिर हो गया सामान। तो एक नाव गया एक दिन के लिए, तो वही नाई पर कुछ आदमी आया, कुछ लोग तो वहीं रह गया। उसका बाद फिर से नाई नहीं गया। सर लोग यहाँ से बोले कि DM साहब की आदेश हुआ कि जितना सर सामान है तुम लोग सारा छोड़ दो और ऐसे दे लेके तुम लोग चले आओ, यहाँ हर चीज़ का व्यवस्था होगा। हम लोग का सर सामान सब भंस गया, घर द्वार भंस गया। आए हम लोग बांध पर अपना डेरा जुग्गी बना के रहने लगे, पन्नी तुनित घेर के। अभी तक हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं मिला। किसी का खाता पर 6,000 रुपया आया, किसी का नहीं आया। 1.5 किलो के अरवा चावल मिला है, 1 पौवा करके दाल मिला है, 1.5 किलो करके चूड़ा मिला है, इतने हम लोग का मिला है अभी तक। 4 मीटर का पन्नित मिला है और कुछ नहीं मिला है। पर भी ठंडी में ऐसे हम लोग पन्नित टांग के बांध के बगल में हम लोग ऐसे समय काट लिए ठंडी में, बाल बच्चा कपड़ा भी नहीं था देह पर, बस्तर अभी भी नहीं है, ऐसे हम लोग ऐसे रह रहे अभी। तो कब आए, कब कब कटा आपका घर? अषाढ़ से घर हम लोग का कटने शुरू किया, आने की भादो तक हम लोग का एकदम पूरा साफ राफ कर दिया। यहाँ पर जो रह रहे हैं क्या समस्या हो रहा है? यहाँ पर अभी हम लोग का तो बांध पर ऐसे रह रहे हैं, ठंडी में घर द्वार का ठिकाना न है। वो गाड़ी वाला आता है तो भगाता है कि भागो बांध खाली करो, कोई गोली दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है। हम लोग ऐसे रह सके रह रहे हैं, बच्चा लोग का भी खतरा है, बच्चा रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, कितना बच्चा हो गया एक्सीडेंट, कभी मर भी जाएगा, 3-4 गो बकरिया मर गया। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि कहीं हम लोग का सरकार पूर्ण वास दे दे, हम लोग अस्थायी रूप से रह रहे हैं और अपना जीवन का वही पर व्यतीत करेंगे, कमा के तो कहीं से ला के खा लेंगे, घरवा रहेगा अस्थायी तब ना। मैं और मेरा समुदाय चाहते हैं कि जल्द से जल्द 500 व्यक्ति को सरकार के ओर से 3 डिसमिल जमीन मिले, ताकि वो अपना घर द्वार बना सके और सही से रह सके। इसके लिए मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ कि यहाँ का वीडियो साहब का नंबर है 94-31-81-83, इस नंबर पर कॉल कर इन पर दबाव बनाकर हमारी मदद करें। मैं नबीता, जिला कटिहार, बिहार से, इंडिया नेट के लिए।